कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज का जो पेपर होने वाला है आपके कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर सामाजिक विज्ञान का पेपर हमें हल करवाइए हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके आगे आने वाली जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिएगा, पिछली बार जो मैंने पेपर हल करवाए थे सारे क्वेश्चन पेपर सभी क्लासों के सब्जेक्ट वाइज, तो काफ़ी ज़्यादा यानी 90% उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए थे। ओके, तो इस बार भी पूछा जाएगा। बस उम्मीद करूँगा कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखोगे, अध्ययन करोगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ओके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आपको याद हो जाएगा, अगर एक बार में आप याद ना हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, देखना, अगर आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करोगे, याद करोगे, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा और इसी में से इस क्वेश्चन पेपर में से पूछा जाएगा आपका बिल्कुल। भारत का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो इसका जो आंसर है वो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। ओके, दूसरा है शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है कौन, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। बस इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, अगर आप ध्यानपूर्वक याद करते हो तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, बीच में छोड़ दोगे, तो आपका नंबर नहीं आने वाला है। ओके, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो 1917 में वो चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आखिरी मुगल बादशाह थे, तो आखिरी मुगल बादशाह कौन थे, तो आखिरी देखो दो तरीके से इसका जो आंसर बनता है, एक तो आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह, एक सिर्फ आखिरी मुगल बादशाह पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। और शक्तिशाली पूछे तो आपको औरंगजेब बताना है, क्या बताना है, औरंगजेब। ओके, तो ये आपके मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य हैं, वो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो 12 सदस्य हैं। ओके, ऑप्शन ब इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है, तो देखो 71% लगभग जल है, तो पीछे कितना बचता है, तो है 30%, कितना 30। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो कौन सा है, मशीनी नहीं हो सकता, कोयला नहीं हो सकता, पेट्रोलियम भी नहीं हो सकता, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय जिसे दोबारा बनाया जा सकता है। ओके, तो ये जो 8 क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो इन्हीं पेपर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा विद्यार्थियों, ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर समय समय पर आपको प्राप्त हो सके, सभी विद सॉल्यूशन। एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट के पेपर सभी क्लासों की कक्षा 6 से 9 तक सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के पेपर हल करवा दूंगा मैं, आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा, कम तैयारी से आपका बेहतर स्कोर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देखो कोयले से प्राप्त विद्युत को ऊर्जा कहा जाता है, तापीय ऊर्जा, देखो कोयले से प्राप्त जो विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा क्या कहलाती है, धर्म निरपेक्षता कहलाती है। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है, औरंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, औरंग कहा जाता है। ओके, कश्मीर के बकरियां चार पालते थे कौन, बकरवाल, तो कश्मीर के जो बकरवाल हैं वो क्या करते हैं, बकरियां पालते हैं। ओके, तो ये आपके जो हो गया क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हो गए और रिक्त स्थान। अब आपके आएंगे आपके लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक। वाणिज्यिक से क्या आशय, देखो वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार, क्या होता है, व्यापार, मैं बता देता हूँ वाणिज्यिक का अर्थ था व्यापार, मतलब ऐसा व्यापार जिसमें वस्तुओं को सस्ती चीज़ें खरीद कर उसे महंगे दाम में बेचकर लाभ कमाना, उसे ही क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कहते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। महलवाड़ी आपके जो व्यवस्था है उसमें किसने की थी, आपके हॉल्ट मैकेंजी। ओके, बिरसा आंदोलन का जो उद्देश्य क्या था, जो बिरसा आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखो इसका जो मुख्य दो उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य था वो आपका
आदिवासियों में सुधार करना। ओके, पहला उद्देश्य क्या था? आदिवासियों में सुधार करना। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था कि दिकुओं को जनजातीय क्षेत्रों से बाहर करना, जो दिकु थे, ठीक है, दिकुओं को क्या करना, जनजाति क्षेत्र में बसे हुए थे उनको वहाँ से बाहर करना, भगाना, ठीक है। ये दो मुख्य उद्देश्य थे बिरसा मुंडा आंदोलन था उसके। सिपाहियों को नई कारतूस पर क्यों ऐतराज़ था? सिपाही थे उनको नई कारतूस पर क्यों ऐतराज़ था? तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि कारतूसों जो थे उनको किसकी आपके चर्बी लगी थी? गाय और सूअर की, गाय और सूअर की कारतूसों पर चर्बी लगी थी और उसे मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिमों में इसमें धार्मिक भावना आहत हुई, क्योंकि जो हिंदू हैं गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान हैं सूअरों को, ठीक है। इसी वजह से वो चर्बी मुँह से काटना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इसका ऐतराज़ जताया, इसका विरोध किया। सातवां है कि अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? अंग्रेज़ों का जो शिक्षा अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो 1835 में हुआ था। देखिए सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे, 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सभी सही करके आओगे और आपका स्कोर बाकी विद्यार्थियों से बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो सातवां क्वेश्चन है वो 1835 हो जाएगा इसका जो आंसर है। संविधान किसे कहते हैं? आठवां क्वेश्चन है कि संविधान किसे कहते हैं? तो ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान किसे कहते हैं? तो नियमों का ऐसा समूह, ठीक है, नियमों का ऐसा समूह जिसे जनता और जो जनता, ठीक है, और जो सरकार है वो उसका अनुपालन करता है, ठीक है, सरकार और जनता उसकी अनुपालन करती है। नियमों का ऐसा समूह जिसे जनता और सरकार दोनों क्या उसका पालन करते हैं उसे संविधान कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो पहले भी ये खाली जगह में आ चुका है, धर्मनिरपेक्षता, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा है वो धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, कब हुआ था विद्यार्थियों? 13 अप्रैल 1919 हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, समझ गए ना, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। बारहवां है निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में क्या अंतर है? तो निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में क्या अंतर है? निजी भूमि का अर्थ यह है कि ऐसी भूमि जो एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, ऐसी भूमि जिसमें किसी एक ही व्यक्ति का उसका अधिकार होता है उसकी भूमि होती है। लेकिन जो सामुदायिक भूमि होती है वो एक विशेष समुदाय की होती है, एक समाज की होती है, एक समुदाय की होती है, उसी के अंडर में ये भूमि होती है, ठीक है, तो उसे सामुदायिक भूमि कहते हैं। निजी भूमि एक विशेष व्यक्ति की होती है, एक ही व्यक्ति की होती है, और समुदाय भूमि एक समुदाय विशेष की होती है। तेरहवां है वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? देखो वाणिज्य कृषि, वाणिज्य का मतलब हमेशा ध्यान रखना व्यापार होता है, ओके। तो कृषि, ऐसी कृषि जो व्यापार की दृष्टि से किया जाती है, व्यापारिक दृष्टि से की जाती है, बेचने के लिए। जैसे आप देख सो आपके कपास हुई, कपास को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं, गन्ना है, ठीक है, ये सब जो है आपके अफीम है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जिसे हमें व्यापार किया जाता है, उसे बेच कर उसे लाभ कमाया जाता है, उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। स्पष्ट रूप से बात करूँ तो ऐसी कृषि जिसे व्यापार की उद्देश्य की दृष्टि से कृषि की जाती है। 14 है अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को किस तरह सुरक्षित रखा? ये है आपके बहुत ज़्यादा लंबे हैं क्वेश्चन है जो निबंधात्मक है, उसे आप नोट करिएगा अपनी नोटबुक में और फिर अपने किताबों से पासबुक से याद कर लेना। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? 16 है वन उत्पादों की आपूर्ति कम होने पर जनजाति लोग क्या करते थे? 17 है लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को संक्षेप में बताइए। और 18 है संसद का गठन किस प्रकार होता है? ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आप इसे नोट करिएगा, 14, 15, 16, 17, 18, और फिर अपनी पासबुक से या नोटबुक जो बुक हैं किताबें हैं वहाँ से आप याद करिएगा। ओके, मैंने सारा क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का कक्षा 8 का बता दिया है, इसमें से मुझे नहीं लगता विद्यार्थियों कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। वैसे आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखा होगा उम्मीद करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।